फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हाँ अच्छे होंगे, है ना? सब अच्छे होंगे ना आज? हाँ, तो अभी आयुषी हो चुकी हैं रेडी, वो वापस जा रही हैं कितने महीने के बाद? दिसंबर जनवरी, दो ढाई महीने के बाद अप्रोक्स अब वो वापस जा रही हैं अपने घर। आज दीदी को जाने दे, दीदी जाए? आज नहीं जाने देने वाला, बट आयुषी जा रही है, उनका बहुत मन है। ये देखिए हमारी पैकिंग भी हो चुकी है, हम भी जा रहे हैं। कहाँ हम कहाँ जा रहे हैं आज? नानी के घर। हाँ, हम नानी के घर जा रहे हैं और आयुषी अपने नानी के घर जा रही है, हम अपने अपने नानी के घर जा रहे हैं, है ना? नाना पास जाना है। ओके, आज किसका वेट कर रहा है? नाना पास। नहीं, आप वेट किसका कर रहे हो? नाना वेट कर। पापा का वेट कर रहे हो ना? पापा आएंगे तभी तो हम जाएंगे। हाँ, आएंगे तब। आज और दीदी की लास्ट टाइम की मस्ती है। अभी भी दीदी को मारोगे? दीदी जा रही है ना, अब तो प्यार करो दीदी को, बोल दो दीदी आई विल मिस यू। आज लिपस्टिक लगाता है? मैं लिपस्टिक आज लिपस्टिक कैसे लगाता है? लिपस्टिक कैसे लगाता है आज? आज को चला गया नानी के घर आके? मेरी जीप कट गई इधर साइड से, पता नहीं सुबह मैं कुछ खा रही थी तभी इधर साइड से जीप कट गई, तो मुझसे ना बोला भी नहीं जा रहा है ढंग से, दर्द हो रहा है मुझे, समझा आज? और अंश ने मेरे साथ आज बहुत बुरा किया। अंश ने मुझे मारा है ना आज, और मार कर ये देखो अंश ने क्या किया। ये देखो ये बुरा कट गया, बहुत ब्लड आया था, अंश ने मार के मुझे ऐसे कर दिया, बेचारी से लग गई थी गलती से। हाँ बेटा, दवा नहीं कराओगे आप? दवा नहीं खाऊंगी, ठीक है? खाना नहीं है, लगा कर रखना है ना? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे 7:30 और मैं जस्ट सोकर उठी। वैसे ही मम्मी ने कहा कि नीचे जाकर देखो ये ना टूट गया ग्लास, तो मैंने आकर देखा शीट ये क्या हो गया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि मतलब ये गेट पे लगा हुआ था और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही शायद लगा था, और ये बहुत अच्छे से मतलब धूल मिट्टी भी नहीं आने देता था, बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड था। और कर्टन्स लगाने पे क्या है कि धूप वगैरह से वो कर्टन्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये बहुत सही चीज़ थी। तो ये ख़राब हो गया तो इसको पापा ने क्लीन किया, थोड़ा बहुत मैंने भी क्लीन किया, और ये देखो कितनी मिट्टी निकली, जबकि मैंने बहुत ही कम क्लीन किया था, तब इतनी ज़्यादा मतलब ब्लैक ब्लैक सा पानी हो चुका था। और अभी अंश धोकर उठाया तो मैं इसको गुआवा दे रही हूँ, क्योंकि इसको कुछ भी पसंद नहीं है, और ये देखना ये गुआवा खाते ही कैसे मुंह बनाएगा, इससे तो पहली बात गुआवा ही नहीं कट रहा, ये ऐसे मुंह सड़ा कर खा रहा है ना, फिर उसके बाद इसने खाया ही नहीं। तो अब मैं आ गई हूँ ब्रश वगैरह करके, और यहाँ पे सुबह का जो मिनी ब्रेकफास्ट है वो मुझे मिल चुका है, काजू बादाम किशमिश बिस्किट और पानी, उसके बाद चाय भी, तो बिस्किट के साथ मतलब चाय के साथ मैंने बिस्किट खाई थी, गर्म पानी है मतलब हल्का गुनगुना। तो चलिए ये सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के गाजर आलू गोभी मटर इन सबको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले से बना रही थी, बट मैंने वीडियो शूट करना बाद में स्टार्ट किया, मैंने सोचा आप सबके साथ भी सिंपल सी रेसिपी क्यों ना शेयर की जाए, जो कि मतलब सभी बनाते हैं मिक्स वेज, लेकिन अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। चलिए उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में डाला है तेल, और उसमें जीरा सूखी लाल मिर्च और एक तेज पत्ता, इनको हल्का सा चटकने देंगे।
जब ये चिटक जाए तो हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें कलर चेंज नहीं होने देना, हल्का सा कलर चेंज हो, जब प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद हम इसमें अपने सारे मसाले डालेंगे, जो भी हम मसाले नॉर्मल सब्ज़ी में डालते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, काली मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। बहुत ही सिंपल से मसाले जो नेचुरल घर में होते हैं वही। और फिर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ। उसके बाद हम इस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे से कुक करेंगे, लगभग 5 to 7 minutes के लिए, ताकि हमारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखिए हमारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, इनमें से कलर भी आ रहा है, कितना अच्छा सा कलर आया है, क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी थी। उसके बाद अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप इसे ज़रूर ऐड किया करें। तो कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ा सा और इसको मैंने फ्राई किया 1-2 minutes के लिए। उसके बाद ये तेज़पत्ता और लाल मिर्च ये सब मैं रिमूव कर दे रही हूँ, ताकि प्रॉपर हम इजीली आराम से खाना खा सकें, उसमें से हमें कुछ रिमूव करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद मैंने सारे फ्राइड सब्जियों को इसमें रख दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे 1-2 minutes के लिए, कि सारे मसाले और सब्जी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब हमारे मसाले और सब्जी, फ्राई की हुई सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी हमें बहुत ही हिसाब से डालना है। अगर आपको मतलब ज़्यादा ग्रेवी वाली चाहिए तो आप डाल सकते हैं, बट जो मिक्स वेज है वो थोड़ी ड्राई ही अच्छी लगती है, गीली गीली सी बहुत ज़्यादा पानी से अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप हिसाब से पानी डालें, ताकि आपके आलू और गाजर जो है वो पक जाए। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है वो लगभग पक चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चीनी और 2-2.5 चम्मच के लगभग फ्रेश मलाई, जो कि अभी जस्ट मैंने दूध से हटाई है। इनको डालने के बाद फिर मैं 1/2 मिनट के लिए कढ़ाई के ढक्कन को बंद करूंगी, और उसके बाद बस हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमारा टेस्टी टेस्टी सा जो मिक्स वेज है वो तैयार है। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा रेसिपी है, तो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके से आप ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और लास्टली मैंने इसको गार्निश कर दिया धनिया के पत्ते से, और फिर आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। मुझे तो मिक्स वेज ज़्यादातर पराठे या फिर पूरियाँ और रोटी के साथ पसंद है। आप सबको किस चीज़ के साथ पसंद है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो जब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही थी, तब तक अंश नहा लिया अपनी नानी के साथ, और इसको ये देखिए मैं रेडी कर चुकी हूँ। अंश रेडी हो चुका है ना, अब नहा चुके हो, गुड मॉर्निंग बोलो। तो अंश हाथ धोकर तैयार हो चुका है, अब इसको खेलना है छत पे, बहुत रो रहा था तैयार होने में, तो मैं इसको ले जा रही हूँ खिलाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 10:15 हो रहा है कुछ ऐसे, तो अब हम आ गए छत पे। तो हम यहाँ पे अंश कर रहा है थोड़ी सी मस्ती, और अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, बट हाँ मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो अभी थोड़ी देर के लिए छत पे बैठूंगी, क्योंकि आज थोड़ी सी ठंड जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज़। तो मैं सोचा चलो थोड़ी देर छत पे बैठते, थोड़ी और धूप निकल जाएगी तो फिर अच्छे से नहाएंगे, मुझे शैम्पू वगैरह करना था। तो अंश यहाँ पे मस्ती कर रहा है, और फिर ऊपर से इसने देख लिया नीचे आइसक्रीम, तो मैं इसके लिए आइसक्रीम लेकर आई, क्योंकि आजकल ठंड में तो आइसक्रीम खाते नहीं है, बट अभी धूप है तो थोड़ा मैंने सोचा चलो बच्चा ज़िद कर रहा है, तो इसके लिए मैं आइसक्रीम लेकर के आ गई। और इसने 1-2 बार ऐसे ही आइसक्रीम को खाया है, उसके बाद इसको आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ही फिनिश किया इस आइसक्रीम को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सब मेरे मायके का होम टूर चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। आई होप आप सबको मेरा ये मायके का मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा हो।